So the first term is some important terms related to magnetism, and the first term we are going to discuss is magnetizing force or magnetic intensity. And we can define it as it represents the degree to which a magnetizing field can magnetize a material. Let's say हमारे पास example, let's say ये example है, ये एक magnetic material है. अगर मैं इस मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहता हूं तो देयर आर मोर देन वन वेज ऑफ मैग्नेटाइज इट. पहला, आप इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में प्लेस कर दो तो ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर इंड्यूस करा लेगा और फिर बाद में उसको रिटेन भी कर लेगा. ठीक है. दूसरा, आप एक काम करें, आप एक सोलेनॉइड लें, ठीक है, और उस सोलेनॉइड के अंदर इस स्पेसिमेन को डाल दें. तीसरा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उस मैग्नेटिक मटेरियल का एक रिंग लें और उस रिंग को या उस रिंग के ऊपर आप कोई एक वायर विच इज कैरिंग अ करंट, अ स्ट्रॉन्ग करंट, उस रिंग के ऊपर उस वायर को वाउंड कर दें. Now this will become a toroidal solenoid. ठीक है. So there are three ways जिसकी वजह से आप इसको या जिस तरह से आप इसको magnetize करा सकते हो. And the most effective one is the toroidal solenoid. क्यों? Toroidal solenoid इसीलिए क्योंकि inside the loop there are maximum number of field lines passing. तो यहाँ पर number of field lines passing through the sample ज़्यादा होंगे. जबकि सोलेनॉइड के थ्रू भी बाहर से फील्ड लाइंस पास करती हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी होती है, बट टोरॉइड के बाहर उतनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती, आपको अंदर मैक्सिमम मिलेगी. दूसरी बात, अगर आप इसको एक सिंपल मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में रखोगे तो भी इसकी जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, यानी जिस इंटेंसिटी से ये मैग्नेटाइज होगा, वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं होगा. यानी इट विल रिटेन वेरी फ्यू, या हम ये कहें कि इट विल रिटेन अ वेरी लेस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो वो मैग्नेटाइज तो हो जाएगा बट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा. तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज करने के लिए द बेस्ट मेथड इज कि आप उसको टोरॉइडल सोलेनॉइड उसके अक्रॉस बनाए, सैंपल के अक्रॉस, और बाद में आप उसके पीसेज यूज कर सकते हैं. तो यहां से एक डेफिनेशन आप इसकी और लिख सकते हो, और वो डेफिनेशन क्या है, लिखो. It can also be defined as the number of current loops per unit length of a toroidal solenoid. It can also be defined as the number of current loops per unit length of a toroidal solenoid. यानी H का अगर आप फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो तो H का फॉर्मूला आपके पास होगा H is equals to number of current loops, यानी Ni per unit length, number of current loops per unit लेंथ. और हमें ये पता है n by l को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल n लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं ना. यस सर. तो इस टोरॉइडल सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड हमने सॉल्व करके निकाली थी वो क्या थी, वो थी म्यू नॉट एन आई, वेयर n वाज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और लेंथ उस टाइम पर हमने 2πr ले ली. तो आप 2πr ले लो या l ले लो, बात तो एक ही है. ठीक है. अब यहां से हमें एक चीज समझनी है कि जब हमने म्यू नॉट ni लिया था बेटा, तब हमने ये माना था कि इस लूप के अंदर कोई भी सैंपल प्रेजेंट नहीं है. तब क्या प्रेजेंट थी, एयर प्रेजेंट थी. ये एयर कोर्ड सोलेनॉइड था उस टाइम पर, एयर कोर्ड टोरॉइडल सोलेनॉइड था. बट अब ये एयर कोर्ड टोरॉइडल सोलेनॉइड नहीं है, इसके अंदर आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस किया. तो अगर आपने मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस किया, सो नाउ
now the magnetic field will be, tab isko main b not maan lu agar, so now it will be b is equals to mu r mu not n I, और mu r into mu not क्या होता है, सिर्फ mu n I. अब आप कहोगे कि ये mu और mu r का क्या चक्कर है, तो याद करो मैंने आपको बताया था relative permeability is equal to permeability of the medium to the permeability of free space. अब permeability of the medium को आप या तो mu m से represent करो या simple आप mu से represent कर सकते हो. So this will be mu r into mu not. So finally b is equals to mu n I होता है. So now we can establish a relation between b and h. कर सकते हैं ना? Yes sir. देखो यहां पर आप h को ऐसा लिख सकते हो, h is equals to n I, number of terms per unit length को आपने small n से represent करा. ये आपकी equation number one. b को आप लिख रहे हो mu n I, ठीक है? तो बेटा h upon b is equals to n I upon mu n I. तो देखो n I से n I cancel out हुआ, तो इसका मतलब आपके पास h upon b is equals to 1 upon mu, या फिर आप लिखें b is equals to mu times of h. लिख सकते हैं? Yes. Yes, sir. क्या था? मैग्नेटिक फील्ड था, और h क्या है आपकी? मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड विच इज मैग्नेटाइजिंग अ सैंपल. अब कौन सी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज कर रही है सैंपल को? टोरॉइडल सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय b. तो b और h के बीच में देयर इज अ रिलेशन विच इज इक्वल टू b is equal to mu naught mu h, और या फिर आप इसको mu naught की टर्म्स में लिखना चाहें, then this can also be written as b naught is equals to mu naught into h, ठीक है? ठीक है बेटा? Yes. This is the relation when there is some magnetic material inside the toroidal solenoid. And this is the relation then there is nothing in between the toroidal solenoid, yani air ho agar, theek hai? Yes. So SI unit kya hogi iski? SI unit ko hum waise hi nikal sakte hain, upar de bhi rakha hai, yahi se nikal lo ni upon l. Ab n to number of turns tha, so this can be written as ampere per meter, theek hai? Yes, sir. तो ये आपकी पहली टर्म हुई, इंपॉर्टेंट टर्म जिसके बारे में हमें बात करनी थी. नाउ आई होप कि आप B और H के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, है ना? Yes, sir. अब यही वाला एक कर्व B और H के बीच में एक होता है कर्व जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप. Now, hysteresis loop is not in your syllabus, but उससे related दो छोटी छोटी terms के बारे में मैं यहाँ पर बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि जब भी कभी हम BH curve की बात करते हैं तो हमेशा H क्या करता है, वो lag करता है B को, यानी B से lag करता है, B से पीछे चलता है. अगर हम BH curve की बात करते तो BH curve, although आपके कोर्स में नहीं है, बट वो कुछ ऐसा बनता. ठीक है, ये आपका B था और ये आपका H. यहां पर ये कर्व रिप्रेजेंट क्या करता है? ये कर्व रिप्रेजेंट करता है बेटा कि जैसे जैसे B बढ़ेगा वैसे वैसे H इंक्रीज होना शुरू होगा, लेकिन एक टाइम आएगा जहां पर आने के बाद जैसे ही उसका H जीरो हो जाए तो इसका मतलब there will be still some magnetic field there. और जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर B zero है but still some H is there. लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखूं तो यहाँ पर आप देख रहे हो B तो zero है but H क्या हो गया? Negative हो गया. अब ये negative H का concept क्या है? देखो जरा,
आपने एक स्पेसिमेन लिया, इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, आपने एक स्पेसिमेन लिया, आप इस स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज करना चाहते हो, आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस कर दिया और ये स्पेसिमेन मैग्नेटाइज हो गया। अब जब ये स्पेसिमेन मैग्नेटाइज हो गया तो इसने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करा। दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। क्या कहलाएगी? रिटेंटिविटी, यानी एबिलिटी टू रिटेन द मैग्नेटिक फील्ड और एबिलिटी टू रिटेन द मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। दूसरा, अगर मैं इसी सैंपल को डीमैग्नेटाइज करना चाहूं तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए मुझे नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे जैसे मैं नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करूंगा, वैसे वैसे एक पॉइंट आएगा जहां पर आपका एच जीरो हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, नेगेटिव आ गई। एच जीरो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव, इट मींस आप अगर उसको इंटेंसिटी, उसकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को जीरो करना चाहते हो, देन यू हैव टू प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कौन सी, किससे ऑपोजिट, जिससे आपने उसको मैग्नेटाइज किया था उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये, या ये जो सैंपल होगा, ये अपनी मैग्नेटाइजिंग पावर को लूज कर जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोअर्सिविटी। ठीक है, तो दो चीजें आपको और याद करनी पड़ेंगी, रिटेंटिविटी और दूसरा कोअर्सिविटी। ठीक है, तो रिटेंटिविटी होता है एबिलिटी टू रिटेन द मैग्नेटाइजिंग पावर, और कोअर्सिविटी होता है द ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड टू द सैंपल टू डीमैग्नेटाइज इट कंप्लीटली। ओके सर, कैन यू रिपीट इट वंस सो दैट वी कैन राइट? रिटेंटिविटी मींस एबिलिटी टू रिटेन, ability to retain the magnetic properties ability to retain the magnetic properties when the magnetizing force is removed when the magnetizing force is removed। दूसरा लिखें coercivity। This retentivity is also called residual magnetism। This is also called residual magnetism। अब as the name suggests, residue से आया ये word residual। और रेजिडुअल या रेजिड्यू का मतलब आपको पता है, जो बच जाता है। आपने एक सैंपल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश की और जैसे ही आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिमूव किया तो वो सैंपल मैग्नेटाइज हो जाता है। एक छोटा सा आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, एक रुपए का सिक्का आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पीछे प्लेस कर दें और उसके पास उसको रहने दें, मतलब उसको स्टिक कर दें फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days। अब जैसे आप उसको रिमूव करेंगे तो आप उससे छोटे छोटे आयरन बिलिंग्स को अगर, या छोटी छोटी ऑल पिंस को अगर अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करेंगे तो अट्रैक्ट होने लगेगी। इट मींस देयर इज सम अमाउंट ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म प्रेजेंट इन दैट 1 rupee coin। तो वो जो मटेरियल था वो मैग्नेटाइज हो गया और उसके अंदर वो मैग्नेटिक पार्ट्स उसने रिटेन कर ली, इसीलिए हमने उसको रिटेंटिविटी कहा या फिर हमने उसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख ली सबने बेटा, रिटेंटिविटी की डेफिनेशन सबने लिख ली? यस सर। ओके, नेक्स्ट लिखे कोअर्सिविटी। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस the residual magnetism to zero। अब देखो H को यहां पर इस पॉइंट पे देखो, H zero हो गया ना, but magnetic field जो आप provide कर रहे हो वो कैसी दे रहे हो? negative दे रहे हो। अगर हमने इसको origin माना था, this is positive और ये नीचे negative,
So the value of magnetizing field required to reduce the residual magnetism to zero is called coercivity of material. Coercivity of material. अच्छा ये सभी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये मटेरियल डिपेंडेंट होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर मटेरियल की रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी सेम होगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, मटेरियल डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है? यस सर, यस सर। तो यहां से बोर्ड रब कर दूं? यस सर। तो द नेक्स्ट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सेकेंड है बेटा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा बात मुझे नहीं लगता कि यहाँ करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं इसी इससे पहले वाले चैप्टर में, बट स्टिल फिर भी द टर्म इज यूज्ड हियर अगेन। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती क्या है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल, है ना? ऐसे लिखेंगे? Yes, sir. तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया थ्रू द सैंपल और स्पेसिमेन, थ्रू द सैंपल और स्पेसिमेन। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है वहां पर कि सैंपल या स्पेसिमेन हो तो ही आप उसको ये मानेंगे कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो कि लेट्स से एक ये सैंपल है, ठीक है? अब अगर ये मैग्नेटिक सैंपल है तो भी, और नहीं है तो भी, अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर अवेलेबल देयर इन दैट पर्टिकुलर रीजन, तो वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक परमेबिलिटी तो उस मीडियम की भी होती ही है। फॉर एग्जाम्पल हम म्यू नॉट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हमने फ्री स्पेस बोला देन देयर इज नो स्पेसिमेन और नो सैंपल देयर, तो इसका मतलब उसके थ्रू पास करेंगी ही करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जनरली जिस किसी भी स्पेसिमेन के थ्रू पास करवाने की कोशिश करते हैं तो हम मानते हैं कि वहां पर वो स्पेसिमेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड होगा, ठीक है? यानी कि उसके क्रॉस सेक्शन के थ्रू ऐसे पास करेंगी, ठीक? ठीक है बेटा? यस सर। और परमेबिलिटी का एक फॉर्मूला अभी हमने बनाया ही था जस्ट अभी, बिल्कुल हमने लिखा था B is equal to mu times of H, तो mu को आप लिख सकते हैं B by H, ठीक है? अब यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड तो टेस्ला होती है, H आपका क्या था? एम्पेयर पर मीटर, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट रिलेटिव परमेबिलिटी, थर्ड वन, रिलेटिव परमेबिलिटी। अब रिलेटिव परमेबिलिटी को म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला दैट रिलेटिव परमेबिलिटी इज परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, ठीक है? और ये हमें सिर्फ एक कंपैरिजन बताता है कि किन्हीं भी दो मीडियम या किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू द फ्री स्पेस कितनी फील्ड लाइन ज्यादा होंगी कितनी कम होंगी। तो जनरली रिलेटिव परमेबिलिटी वन से बड़ा ही होगा, ठीक है? यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग जो हमें डिस्कस करनी है वो है बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को आप कैसे समझ सकते हो? मैग्नेटिक
will it be? अब इस मैग्नेटिक सबसेप्टेबिलिटी को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, काई कह सकते हो, चाय कह सकते हो, ठीक है? तो बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं चाय, कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं काय, तो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? मैग्नेटिक सबसेप्टेबिलिटी लिखें डेफिनेशन. इट इज डिफाइंड एज the ratio of intensity of magnetization and the magnetizing force. ठीक है? Yes. तो अब आप ये कहोगे कि सर आप हमेशा मना करते हो कि किसी भी टर्म को फॉर्मूला बेस्ड याद नहीं करना, लेकिन आपने डेफिनेशन फॉर्मूला की टर्म्स में लिखवा दी. अब देखो जनरली बुक्स में यही डेफिनेशन दे रखी है, बट समझेंगे कैसे इसको. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है How much prone a given magnetic substance is towards the magnetic field. जितना कोई भी सब्सटेंस ज्यादा प्रोन होगा towards the magnetic field, तो वो ज्यादा जल्दी मैग्नेटाइज होगा, और जिसकी प्रोननेस कम होगी वो इट विल टेक टाइम, या हम ये कहें कि उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होगी वो कम होगी. अभी हमने यहां पर दो टर्म्स के बारे में बात की, हमने इसको डिफाइन करा एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी चाहे कैन बी रिटन एज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स. अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स वॉज द फर्स्ट टर्म जो कि हमने डिफाइन किया था, तो यानी एम अपॉन एच ये हमें काय या चाय की वैल्यू देता है. इंपॉर्टेंट बात यह है, इट इज ऑलवेज अ प्योर नंबर, is a pure number. तो हमें ये पता लगता है इस नंबर से, larger the value of the number, more a substance is said to be prone towards the magnetic field. यानी आपने अगर उसको एक magnetic field के अंदर रखा तो वो specimen बहुत easily magnetized हो जाएगा, ठीक है? तो जितना number ज्यादा होता चला जाता है उतना ही proneness बढ़ती चली जाती है. अब बात आ गई कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है. इसको बहुत सब बार हम लोग सिर्फ मैग्नेटाइजेशन भी कह देते हैं, और ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. पांचवा लिखें, एम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, क्योंकि दोनों को समझने के लिए पहले M के बारे में जानना जरूरी है. तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, या फिर आप इसको कह दो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बल्कि आप इसको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ही लिखो, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी लिखो ही, ठीक है? इसी को लिखो intensity of magnetization, M से represent किया. So this will be given by magnetic dipole moment. अब इसको capital M से represent किया तो मैं इसको small M से कर रहा हूँ, लेकिन ये है magnetic dipole moment. This is not magnetic pole strength, ठीक है? So magnetic dipole moment per unit volume, ठीक है? मैग्नेटिक डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है? अब हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, अब इसको भी स्मॉल एम था तो पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से कैसे रिप्रेजेंट करूं, पे काम करते हैं, इसको क्यू एम लिख रहा हूं, ठीक है? इन टू 12
और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ, यही होगा। यस सर। अब बार मैग्नेट की लेंथ को आपने 12 कंसीडर करा था, तो यहां पर भी आपको उसको 12 ही कंसीडर करना पड़ेगा, तो दिस विल गेट कैंसल्ड आउट एंड वी आर लेफ्ट विद qm upon a। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया, ठीक है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया, ठीक है बेटा। और इसकी एसआई यूनिट होगी आपके पास एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन, बल्कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की क्या होती है, एम्पियर मीटर होती है ना, एन आई ए, हाँ एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, यही होगा ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की क्या होती है, एम एन आई ए यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब, सो दिस विल बी एम्पियर पर मीटर, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। याद देखो, याद करो, इस एम को मैंने लिखा है यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये क्या होता था, एन आई ए होता था, तो इसकी यूनिट होती थी एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर क्यूब होती ही है, तो एम्पियर पर मीटर, ठीक। यस सर। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा था हाउ मच प्रोन अ गिवन सब्सटेंस इज टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि एम किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है, या हम ये कहें कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। सोचो अब किसी भी सैंपल के पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने ज्यादा डायपोल मोमेंट्स होंगे, यानी जितने ज्यादा डायपोल्स होंगे और उनका अपना, हर किसी डायपोल का अपना एक डायपोल मोमेंट होगा, तो उसका एम उतना ही ज्यादा होगा, है ना। यस सर। यस सर। तो एम अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब काई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एच तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स था, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स को आप वन भी मान सकते हो, आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स वहां पर अभी हमने लिखा था म्यू इज इक्वल्स टू बी बाई एच, तो हो सकता है मैं 1 टेस्ला यहाँ प्रोवाइड करूं और कोई सैंपल 1 टेस्ला से ही मैग्नेटाइज हो जाए, तो उस केस में अगर मैं यहाँ 1 डालूंगा तो चाय किसके बराबर हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा, यानी चाय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इन दैट केस। है ना। yes, sir. Yes, sir. और अगर chi directly proportional to m हो जाता है, तो फिर बेटा magnetic susceptibility उस particular sample की बढ़ गई। तो ये topic, ये 5 definitions clear हैं बेटा। yes sir। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर मैग्नेटाइजेशन को, या चलो एक काम करते हैं, डाया पैरा और फेरो के बारे में बात करते हैं, ये कराया गया आपके स्कूल में, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यस सर। ठीक है, तो डाया पैरा और फेरो के बारे में बात करते हैं। अच्छा उससे पहले एक चीज और बताओ, व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, एक टर्म और आ गई दिमाग में, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन सर प्रॉपर्टी टू अपोज करंट टू चेंज व्हेन द करंट इज चेंज दैट देन ईएमएफ इज Not like something. EMF की हमने बात ही नहीं करी अभी तक, आप EMI पे क्यों पहुंच गए, वो म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बात कर रहे हो शायद,
Yes, sir, I think so. No. Magnetic induction. So when magnetic properties are transferred from one body to another. लिखो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड अ मटीरियल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड अ मटीरियल is the sum of so can you please repeat magnetic field at any point inside a material is the sum of external magnetic field and the field produced due to the magnetization of material देखो समझो अगर आपके पास ये एग्जांपल है इस सैंपल के थ्रू कुछ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है जो कि इसको मैग्नेटाइज कर रही है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी ना बेटा यही होनी चाहिए ना यस सर अब वो मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास कर रही थी ऐसे ऐसे लेकिन जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास करने लगेगी ये सैंपल ऑटोमेटिकली मैग्नेटाइज भी होने लगेगा तो जब ये सैंपल मैग्नेटाइज होने लगेगा तो इसकी अपनी भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी ना जो कि इसी के थ्रू पास करेगी और इस तरीके से पास करेगी होगा ना यस सर तो इनसाइड द सैंपल या इनसाइड द मटेरियल अगर मैं बात करूं तो किसी भी गिवन पॉइंट पे लेट्स से कि एक ये क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया एक छोटा सा सैंपल मैंने लिया इस सैंपल के अंदर अगर मैं ये कहूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी H जो इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो इसको मैग्नेटाइज करा रहा था प्लस इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड है ना होगी ना Yes. अब ये जो सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं सो दिस बिकम्स फोर पाई स्मॉल m अपॉन a यहां पर क्या हुआ एरिया ठीक है और हमें ये पता था कि हम स्मॉल m यानी पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया को क्या लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया को हम कैपिटल m भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल m ठीक है इसको उठा के अगर यहां डाल दें तो याद रखना b इज इक्वल टू h प्लस 4 पाई कैपिटल m होगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसके बारे में जनरली पूछ लिया जाता है क्योंकि हम जनरली जब ये बात करते हैं कि एक सैंपल को हमने मैग्नेटाइज करा और सैंपल को हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं बाहर से फील्ड प्रोवाइड करके तो अब वो आपसे ये पूछ लेता है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड
तो जनरली इतना थॉट प्रोसेस जाता नहीं है, तो बच्चे जनरली क्या लिखते हैं कि हाँ ठीक है यार, जिस तरह सैंपल के पास पहले तो कोई फील्ड थी नहीं, लेकिन जो उसको मैग्नेटाइज करेगा वही फील्ड तो उसके थ्रू पास हो रही होगी। बट होता क्या है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती चली जाती है, यानी कि वो उसकी रिटेंटिविटी बढ़ती चली जाती है, तो उसका सेल्फ मैग्नेटिज्म भी वहां पर इट स्टार्ट्स प्लेइंग इट्स रोल, तो वो भी ऐड होने लगता है। तो जब ऐड होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिवन बाय एच प्लस 4πm। अब कई बार बच्चों को ना ये विजुअलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सर अपनी फील्ड कैसे आएगी, कहां से आएगी। तो लेट्स से कि मैं आपको एक सोलेनोइड का केस लेके बताता हूं। मान लो कि ये हमारे पास कुछ तीन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। अब यहां से एक वेरिएबल करंट मैंने यहां से पास करना शुरू करा जो कि टाइम वेरिएबल है। करंट यहां से एंटर करेगा और इस लूप में ऐसे क्लॉकवाइज मूव करेगा। व्हेन वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस पार्ट और ऐसे देख रहा हूं इधर से, तो ये मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो बेटा यहां क्या बनेगा साउथ और यहां पीछे क्या बनेगा नॉर्थ। अब किसी भी वायर में या किसी भी कंडक्टर में जो करंट होता है वो धीरे धीरे सेटअप होता है, बट इतना भी धीरे सेटअप नहीं होता कि हम उसको ऑब्जर्व ना कर पाए, मतलब कि हम लोग उसको ऑब्जर्व कर पाए, कहने का मतलब ये, ठीक है, कि वो इतना धीरे नहीं हो रहा कि हम लोग उसको ऑब्जर्व कर पाए। हमारे लिए तो हमने इधर फैन का स्विच ऑन करा और उधर फैन चलने लगा, तो इसका मतलब करंट सेटअप हो गया जी विद इन नो टाइम, ठीक है। बट एट टाइम्स जब लाइव इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि जो आपके पास लाइव वायर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो, और जब इन्वर्टर के बीच में स्विचिंग और स्विचिंग होती है, तब आप ये ऑब्जर्व कर पाते हो कि दैट देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग, और वो बहुत छोटा सा टाइम लैग होता है। सेम इज द कॉन्सेप्ट हियर। अब जब तक यहां पर एक लूप में करंट एस्टैब्लिश हुआ होगा तब तक इन दोनों लूप्स के अंदर तो कोई करंट था ही नहीं। जैसे ही इसमें लूप में करंट एस्टैब्लिश हो जाएगा तो यहां पर अपना इसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन जाएगा, क्योंकि ये साउथ था ये नॉर्थ था। इससे पहले कि ये करंट यहां पहुंचे ऑलरेडी देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसके थ्रू पास कर रही होगी, लेकिन जैसे यहां पहुंचेगा तो उससे पहले दो लूप्स की मैग्नेटिक फील्ड यहां पहुंच जाएगी। तो इधर कितने लूप्स की मैग्नेटिक फील्ड थी? सिर्फ फर्स्ट लूप की थी। जब इधर पहुंच के एस्टैब्लिश हो गया नेट करंट और वो यहां पहुंचने वाला होगा, तो उससे पहले यहां पर कितने लूप्स की मैग्नेटिक फील्ड होगी? दो लूप्स की मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी करंट से करंट के साथ साथ वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और वो धीरे धीरे सेटअप होती है। तो सेम बात यहां पर, ये सैंपल जैसे जैसे मैग्नेटाइज होता चला जाएगा वैसे वैसे जो डायपोल्स अपने आप को सेंटर अपने आप को एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन करने लगेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंपैक्ट अलाइन करने लगेंगे, वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बन जाएंगे। तो उनका मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना भी एक लाजमी बात है कि होगा ही होगा वहां पर। तो उस पर्टिकुलर केस में आप हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे इनसाइड द सैंपल उसको आप बोलेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, और ये मैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय एच जो कि आपकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स है प्लस उसका अपना सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड जो कि इंड्यूस हुआ था उसके अंदर ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। Yes. ये पर्टिकुलर पार्ट, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. पक्की बात बेटा? Yes. Yes, sir. एंजेला क्लियर है? Yes, sir. मेलिसा? Yes, sir. प्रिया? Yes, sir. तमन्ना? Yes, sir. अंदेशा? Yes, sir. नंदिनी? Yes, sir. ठीक है। आन्या क्लियर है? Yes, sir. अभिमन्यु है आज? हाँ, अभिमन्यु। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। माही राघव? Sir, yes, sir. समर्थ आर्यन? क्लियर है सर। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन भी हुआ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज
कि कई बार ये पूछ लेता है व्हाट एग्जैक्टली इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी. अच्छा ये वाला पार्ट एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. इधर से रब कर दो ना. यस सर. अच्छा ये बताओ रिलेशन बिटवीन ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है. सातवां टॉपिक रिलेटिव परमिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी. अब रिलेटिव परमिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है तो याद रखें. मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख देता हूं. इसकी डेरिवेशन इज ऑफ नो यूज. आपने करनी हो तो बता दो या फिर सीधा रिजल्ट से बात बन जाएगी. रिलेटिव परमिबिलिटी इज 1+chi या फिर chi. ठीक है सर. डेरिवेशन करवा दो. कर लो. चलो ठीक है. अगर मान लो कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसको हमने एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस करा और वो मैग्नेटाइज हो गया तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी विद इन द सब्सटेंस वो होगी उसकी फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड. और दूसरा जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के थ्रू प्रोड्यूस हुई होगी वो यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी नॉट प्लस बी एम. ये बात अभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में भी की थी कि इंडक्शन होगा है ना. और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसके बराबर होगा जो उसका फील्ड को मैग्नेटाइज करेगा उस सैंपल को प्लस जो उसकी अपनी इंड्यूस्ड फील्ड होगी. ठीक है. यस सर. तो आप इसको क्या लिख सकते हो म्यू नॉट इनटू एच प्लस. इसको आप क्या लिख सकते हो. इसको आप लिख सकते हो म्यू नॉट इनटू एम. तो अगर मैं यहां से म्यू नॉट कॉमन निकाल दूं देन दिस विल बी एच प्लस एम. अब एम का तो आपको पता ही है कि एम क्या था यहां पर. कैपिटल एम यहां पर क्या है बेटा. द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. हाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ठीक है. कैपिटल एम क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ठीक है ना. यस सर. लेकिन देयर वाज अ रिलेशन बिटवीन एम किसके बराबर था काई इनटू एच. यही था. यही था ना बेटा. यस. एम किसके बराबर है काई इनटू एच. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड भी लिखता हूं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस काई इनटू एच. फर्दर आप लिख सकते हो म्यू नॉट 1+काई इनटू एच. लिख सकते हैं. Yes, sir. But आप B को क्या लिख सकते हो. B को आप लिख सकते हो mu h which is equal to mu naught 1+chi into h. H से h cancel out हुआ. So mu by mu naught is equal to 1+chi. और mu by mu naught को आप क्या लिख सकते हो mu r which is equal to 1+chi. ठीक है. Yes, sir. Yes. So this will be your relative permeability in terms of magnetic susceptibility. ठीक है. Yes, sir.
तो जितनी भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थी वो यहाँ से खत्म हो जाती हैं। अब इसके अंदर हमें बात करनी होगी सिर्फ एक दो तीन टॉपिक हैं छोटे छोटे। एक है आपका बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म में एंगल ऑफ डिप वगैरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको एक बार ही आप ना थ्योरेटिकली पढ़ के रखना, मैंने आपको जो नोट्स भेजे थे उससे पढ़ के रखना एक बार, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म वहां पर बेटा थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, एंड हाउ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियंस आर इंक्लाइंड ओवर ईच अदर और डिफरेंट पोजीशंस पे उसके डिफरेंट इंक्लिनेशन हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से यानी अर्थ की जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है या हम लोग अर्थ का जो एक्चुअल मैग्नेट है उसके साथ अगर हम लोग एक बार मैग्नेट को सस्पेंड कराने की कोशिश करें तो वो हमेशा एक सर्टेन एंगल पर टिल्टेड मिलेगा आपको, ठीक है। वैसा क्यों होता है और वहां से डिप एंगल क्या निकलेगा, कैसे निकालेंगे, यानी मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या है। तो वहां से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स हमें मिलते हैं दो, एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, और वहां से ये चैप्टर आपका कंप्लीटली ओवर हो जाएगा, ठीक है। Yes. बस एक बार लेकिन थोड़ा सा अर्थ मैग्नेटिज्म को पढ़ के रखना, क्योंकि विजुअलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, सर्टेन अमाउंट ऑफ विजुअलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके तो आज के लिए इतना ही, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बोलो, है किसी को कोई डाउट आज वाले टॉपिक्स में? नो सर। दूसरी बात, केस स्टडीज जरूर और जरूर कर लेना बेटा इस चैप्टर में से, खासकर मैटर ये वाला जो पार्ट हम कर रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म वाला, इसमें से केस स्टडीज जरूर आएंगी, इसमें से और कुछ नहीं बनता, केस स्टडी जरूर बनती है। देखो डेरिवेशन तो कोई भी नहीं आ सकती, लेकिन हाँ इधर से केस स्टडी पक्का आएगी। तो वो जो केस स्टडी मैंने आपको भेजी है, देयर आर फाइव क्वेश्चंस इन दोस, इनफैक्ट दोस आर फाइव केस स्टडीज और हर केस स्टडी के अंदर देयर आर फाइव क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो केस स्टडीज जरूर और जरूर कर लेना बेटा नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। ओके सर। ओके चलो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट। थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू।